अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन स्टूडेंट्स। आज जो है हम डिस्कस करेंगे सैटेलाइट्स एंड टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स को। बिफोर दैट स्टूडेंट्स, हम लोगों ने स्पेस प्रोग्राम इन पाकिस्तान को डिस्कस कर लिया था, जिसमें स्पेस प्रोग्राम इन पाकिस्तान नहीं, स्पेस प्रोग्राम हमने पूरे वर्ल्ड का डिस्कस किया। हमने जिसमें हबल टेलीस्कोप को भी डिस्कस किया, स्काईलैब को डिस्कस किया, उनके फेलियर्स को डिस्कस किया। आज हम ये देखते हैं कि भाई जब आपके पास पूरा हो गया, मतलब डेवलपमेंट हो गई, आपने रॉकेट लॉन्च कर लिया, तो इसके साथ स्पेस शटल्स लॉन्च होना शुरू हो गई, तो देर इज़ अ वे हैव बीन स्टार्टेड कि जब आपने दुनिया की इंफॉर्मेशन लेने के लिए आपको जो है एटमॉस्फेयर में एक ऐसा चीज़ भेजनी थी जो आपके पास क्या कहलाती है, सैटेलाइट कहलाती है। अब सैटेलाइट के मल्टीपल फंक्शंस हैं। प्रीवियस टॉपिक्स में आप लोगों ने प्रीवियस बुक्स में भी डिस्कस कर लिया हुआ है कि सैटेलाइट कहाँ कहाँ और किस तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं। सैटेलाइट इज़ अ मून प्लैनेट और अ मशीन दैट ऑर्बिट्स अ प्लैनेट और स्टार। फॉर एग्जांपल, अर्थ इज़ अ सैटेलाइट बिकॉज इट ऑर्बिट्स द सन। हमारे पास सैटेलाइट नेचुरल सैटेलाइट एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट। मून हमारे पास नेचुरल सैटेलाइट है, इमिट करता है रेडिएशन, चांद की वजह से रोशनी होती है। प्लैनेट भी एक सैटेलाइट है। मशीन का मतलब है कि वो वाली मशीन जो हम ह्यूमन यानी कि मैन मेड जो है वो मशीन्स को स्पेस में भेजते हैं। उसका काम क्या होता है कि अर्थ के इर्द गिर्द जो है वो रिवॉल्व करना, और रिवॉल्व करने के साथ साथ क्या करना कि इंफॉर्मेशन को भेजना। हमारे पास इसके अलावा सन, मून, प्लैनेट, ये नेचुरल सैटेलाइट है। जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट वो होते हैं कि जो मैन मेड होते हैं। लाइक वाज द मून इज़ अ सैटेलाइट बिकॉज ऑफ ऑर्बिट अर्थ। यूजली द वर्ड सैटेलाइट रेफर टू अ मशीन दैट इज़ लॉन्च इन टू द स्पेस एंड मूव अराउंड द अर्थ टू अनदर बॉडी इन स्पेस। यानी कि सैटेलाइट का मुर्का मतलब या रेफर हम करते हैं कि एक ऐसी मशीन होती है कि जो स्पेस में लॉन्च की दी जाती है, और स्पेस में लॉन्च करने के बाद आपके पास ये अर्थ के इर्द गिर्द घूमती है और जो है इंफॉर्मेशन को ज़मीन पर सेंड करती है। हमारे पास सैटेलाइट जो होते हैं, जो मतलब जिस ऑर्बिट में या जिस सर्कुलर पाथ में वो ज़मीन के गिर्द घूमते हैं सैटेलाइट, उसको हम क्या नाम देते हैं, ऑर्बिट का। हमारे पास जो ऑर्बिट होते हैं उसमें कुछ टाइप्स होती हैं। उसमें पहली जो आपके पास ऑर्बिट होती है, इट लाइज इन द इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ द अर्थ। द ऑर्बिट इज़ मोस्ट यूजफुल ऑर्बिट फॉर कम्युनिकेशन पर्पज़। यानी कि ये वाला सैटेलाइट जो पहला वाला फिगर नज़र आ रहा है, उसमें इक्वेटर के इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है, और वो सारी इंफॉर्मेशन इक्वेटर से रिलेटेड जितनी होती है उनको सेंड करता है ज़मीन पे। सेकंड, पोलर ऑर्बिट वो होते हैं कि जो सिर्फ ज़मीन के पोल्स के इर्द गिर्द होते हैं। यानी कि ऐसा नहीं है सैटेलाइट कि पूरी दुनिया के हर पोर्शन पे इक्वेटर पोल्स और इंक्लाइंड ऑर्बिट्स हर जगह से ही वो कर रहे होते हैं। नहीं, हर पोर्शन के यानी कि इक्वेटोरियल के इक्वेटर के लिए अलग सैटेलाइट है, पोल्स के लिए अलग है। इंक्लाइंड ऑर्बिट का मतलब होता है दैट इज़ नॉट ऑन इक्वेटोरियल रीजन, इक्वेटर पे, ना ही वो पोल्स पे कर देगा, बल्कि इसके अलावा जो पोजीशंस होती हैं उनके ऊपर रिवॉल्व करते हैं, ऐसे को इंक्लाइंड ऑर्बिट कहा जाता है। अब हमारे पास सैटेलाइट जो होते हैं ज़मीन के इर्द-गिर्द, जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसे होते हैं जो इक्वेटर पे मूव करते हैं, कुछ पोल्स पे होते हैं और कुछ इंक्लाइंड होते हैं, तो हर जो है वो अपने हिसाब से जो है उनकी स्पीड होती है। टाइप्स ऑफ सैटेलाइट में जैसे कि नेचुरल सैटेलाइट में हमारे पास मून हमारा सन नेचुरल सैटेलाइट है जो अर्थ के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट वो होते हैं जो हम इंसान ने बनाए हुए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के जरिए ज़मीन के आउटर जो एटमॉस्फेयर में उसमें लॉन्च कर दिए जाते हैं। हमारे पास सबसे पहली जो काइंड है सैटेलाइट की, वो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। अब देखो हमारे पास टर्म आ रही है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि आप क्या होता है कि कम्युनिकेट करना। अब व्हाट डज दिस कम्युनिकेट मीन कि हम ऐसे कम्युनिकेट करें, फॉर एग्जांपल मैं पाकिस्तान से अमेरिका कॉल करी। अब वो कॉल जो है ऐसे थोड़ी होगा कि भाई सिग्नल्स इतनी दूर जाएंगे, सिग्नल्स को ट्रैवल करने में टाइम लगता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट जो मेरा मोबाइल के जो सिग्नल्स हैं दैट इज कैच्ड बाय सैटेलाइट व्हिच इज इन स्पेस। अब वहाँ से जो है सिग्नल्स अदर जो कंट्री होते हैं वहाँ तक भेजे जाते हैं। इसी तरह से रेडियो है, टेलीविज़न है, इनके सैटेलाइट जो है, इवन इंटरनेट है, इनके इंफॉर्मेशन जो है वो सैटेलाइट के थ्रू दिस। इसके अलावा मिलिट्री जो है वो आजकल होते हैं, जैसे अब आजकल पाकिस्तान और इंडिया एक डिस्प्यूट का शिकार है, चाइना और इंडिया का एक डिस्प्यूट प्रॉपर चल रहा है। अब हमने कि हमने देखना है कि भाई कोई हमारी बॉर्डर या हमारी टेरिटरी के ऊपर कोई उन्होंने क्या कुछ कोई ऐसा कोई बंकर तो नहीं बनाया हुआ, या कोई मिसाइल तो नहीं फिट किया हुआ, हम जाहिर से झांक तो नहीं सकते,
हम सेटेलाइट का ही सहारा लेंगे, जिससे हमें एक ओवरऑल जनरल व्यू नज़र आ जाएगा। इवन हम जूम करके भी देख सकेंगे कि भाई उनकी क्या बॉर्डर साइड पे कोई ऐसी एक्टिविटी तो नहीं जो हमारे लिए खतरनाक हो। तो किससे पता चल जाता है? कम्युनिकेशन सेटेलाइट से भी। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप फॉर एग्ज़ाम्पल सेटेलाइट जो वन है, वहाँ से जो एंटीना वन है वहाँ ग्राउंड से कोई सिग्नल होते हैं, सेटेलाइट उसको स्पेस में लेता है और वहाँ पर उसको लेने के बाद उसको एम्पलीफाई करता है और दोबारा से किसी और टावर ग्राउंड पे इस टावर को भेजता है किसी अदर कंट्री में, किसी अदर कॉन्टिनेंट हो सकता है, तो वहाँ तक भेजता है और इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है। इसके अलावा जो अगर हम सेटेलाइट की एप्लीकेशन देख लें, सेटेलाइट आजकल वेदर फोरकास्टिंग भी आजकल तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल कोई साइक्लोन आना हो और या कोई जैसे अभी आजकल कराची में एक जो तूफान आया था जिसका नाम माही था, अब उसके बारे में तमाम इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मौसूल हुई थी? वो हमें हुई थी सेटेलाइट से। इसके अलावा सिक्योरिटी पर्पज़ जो मैंने अभी आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया, इसके अलावा आजकल जो इंटरनेट हमें आ रहा है कुछ तो ऑप्टिकल फाइबर से आ रहे हैं और कुछ हमें इंटरनेट बाय द सैटेलाइट से आ रहे हैं। जीपीएस है, रेडियोज है, टेलीविज़न है, टेलीफोन है, डिफरेंट किस्म की जो फंक्शंस हैं वो सैटेलाइट के थ्रू हो रहे होते हैं। इसके अलावा मोबाइल सैटेलाइट तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ना। हमारे पास क्या होता है कि जैसे कि अभी मैंने बताया कि डिफरेंट हम मोबाइल्स के थ्रू कॉन्टैक्ट में रहते हैं। कुछ मोबाइल टीवी फोन होते हैं जो पहले टावर से तो सैटेलाइट थे, कुछ ऐसे होते हैं कि मोबाइल्स टीवी जस्ट होते हैं। मोबाइल पर भी जैसे हम आज के लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे होते हैं, इवन यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग आ रही होती है, कुछ टेलीविजन के ड्रामाज हैं, कुछ न्यूज़ चैनल्स होते हैं, उनकी जैसे बाय सैटेलाइट से कुछ हम डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं, कुछ हम इनडायरेक्ट कनेक्ट होते हैं। तो ये आपके पास कहलाता है मोबाइल टीवी सैटेलाइट्स कहलाता है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये छोटा सा टॉपिक जो है वो समझ में आ गया होगा।